दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। साथियों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक नई किचन, जो कि मैं एक गांव में किचन बना रहा हूँ, क्योंकि शहर में जैसे बनती है मॉड्यूलर किचन, काफ़ी बड़ी बड़ी किचन बनती है और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली किचन बनती है, लेकिन ये जो है कम कॉस्ट की और छोटी किचन है और ये गाँव में बना रहा हूँ। तो पहले मैं आपको फ्रेंड दिखा देता हूँ इसका। जैसा कि आप देख रहे हैं ये फ्रेंड है इसका, ये अभी मैंने केवल बोर्ड और ये चढ़ा दिया है, पल्ले वल्ले चढ़ा दिए हैं, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर में आपको इसके अंदर वाला सीन दिखाने वाला हूँ कि वो कैसा रहेगा। और ये अभी कंप्लीट होने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इसके अंदर भी मायका लगाना बाकी है। इसमें केवल फ्रंट पे मायका लगेगी, बैक साइड में कोई मायका नहीं रहेगी। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका अंदर का सीन कैसा है। तो दोस्तों ये अंदर से दिखती है इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा ये किचन, जो कि एक सिंपल किचन है और ये केवल हमने साधारण कब्जों पे लटकाई है। ये कब्जे जो हैं सादा वाले कब्जे हैं, सिंपल वाले कब्जे हैं, ये सादा कब्जे पे चलाई है मैंने, इसमें एल बिहारी कब्जे नहीं है। तो इस तरीके से अभी कुछ देर में मैं इसमें मायका लगाना शुरू कर दूँगा। तो काफ़ी वैसे बड़ी भी है और जगह के हिसाब से एडजस्टमेंट हमने किया है यहाँ पर। एक चीज़ आपको बता देते हैं, आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि हमने इसको एक कब्जे में क्यों नहीं लटकाया। आप लोगों के मन में होगा कि एक कब्जे में, जैसे कि यहाँ पे एल बिहारी कब्जा बीच में लगा के और एक पल्ले में एक ही बार खोल देते हैं, ऐसा क्यों नहीं किया। इसका एक रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि इसका जो साइज है ये 2 फुट है यहाँ से और यहाँ से 19 इंची, तो इसका वेट ज़्यादा हो जाता और ये कब्जा झेल नहीं पाता। इसके लिए मैंने इनको 2 पल्लों में कर दिया है, 1 पल्ला ना करके 2 पल्ले बना दिए हैं। और अब क्या है दोस्तों, इसमें एक नहीं कई फायदे होंगे। पहला, अगर हम उस तरीके से बनाते तो दिक्कत होती, काफ़ी जगह गिरनी काफ़ी जगह गिर जाती। और अभी जो है इसमें एक फायदा ये है कि अगर आपको ये यूज करना है तो ऐसे करके सामान रख सकते हैं छोटा, और आपको बड़ा वाला यूज करना है तो ये पूरा खोल सकते हैं। ये आप इस तरीके से यहाँ तक खोल सकते हैं इसको, और इसको भी आप ऐसे खोल सकते हैं। तो ये जो है पूरा स्पेस मिलेगा आराम से, किस कैसे भी इसमें कितना भी सामान रख सकते हैं। तो और एक एक करके पल्ले को बंद कर दीजिए, ये हो जाएंगे इस तरीके से सारे पल्ले। तो साथियों अभी ये बिना मायका लगी हुई है, और अभी मैं जो है मायका लगा दूंगा। मायका लगाने के बाद आपको इसका मेजरमेंट करके भी दिखाऊंगा कि इसका मेजरमेंट किस तरीके से मैंने किया है और मेजरमेंट कैसे जो है निकालने के बाद इसको तैयार करेंगे। वो सारी चीज़ मैं अभी इस वीडियो में लास्ट तक दे दूंगा आपको, वीडियो पर लगातार बने रहिए दोस्तों। अभी मैं जो है इसमें ग्राइंडर लगाने वाला हूँ, इसको प्लेन करने वाला हूँ। प्लेन करने के बाद मैं जो है मायका लगाऊंगा इसके अंदर। और ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी किचन बनाए तो ग्राइंडर लगाना जरूरी है। ग्राइंडर लगाने से क्या है कि टोटल जो मायका है पूरा प्लेन हो जाती है, पूरी प्लेन आ जाती है और अच्छी लगती है, डबक वबक जो भी सारी खत्म हो जाती है। उतार लेते हैं, उसके बाद ही मायका लगानी है आपको।
तरीके से आपको सारे पल्ले उतार लेने हैं, उसके बाद मैका लगाना शुरू कर देना है। दोस्तों मैंने इस मैका को लगा दिया है और एक तरफ कोरी रखी है, दूसरी तरफ मैका लगा दी है, मैंने एक तरफ मैका लगाई है इसमें, तो ये सब पल्ले मैंने कंप्लीट कर लिए हैं मैका लगा के। अब मैं लगाना चढ़ाना शुरू कर रहा हूँ पल्लों को, और चढ़ाने के बाद इसमें हत्ते लॉक जो भी लगाने हैं कंप्लीट कर देंगे। लॉक तो नहीं लगते लेकिन हत्ते लगेंगे और मैगनेट लगेगी, तो बराबर देखते रहिएगा किचन को। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पल्ले लगभग चढ़ा दिए हैं, और पल्ले लगाने के बाद इसमें जो हैंडल हैं वो हैंडल में लगा रहा हूँ लगातार, और किस तरीके से हैंडल लगाऊंगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये इसमें तीन हैंडल जो लगा चुका हूँ, बाकी के जो आगे के हैंडल हैं उनको मैं लगाता हुआ जा रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, जो अंदर के जो हैंडल है उन्हें लगाने में आप लोगों को दिक्कत होती है, बहुत भाई लोगों ने हमें बोला है कि हमेशा अंदर जो पेच कसे होते हैं उसमें हैंडल लगाने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो मैं आपको बहुत ही अच्छा बहुत ही सिंपल तरीका बता देने वाला हूँ कि अंदर के पेच कसने वाले हैंडल कितने आसान तरीके से लगाने और कैसे लगाने हैं। तो दोस्तों वीडियो को लगातार देखते रहिए। तो दोस्तों आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप ऊपर से निशान ले लेंगे तकरीबन 8 इंची, बेशक आप ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है कि इसका और इसका बीच होना यहाँ पर जरूरी हो, क्योंकि ये थोड़ी हाइट में ऊँची है, तो आप इसे लगभग कोशिश कीजिए कि खड़े होकर बंदा खोल पाए। तो मैंने यहाँ से आठ इंची ले लिया है निशान, यहाँ से 8 इंची निशान ले लिया है, इसके बाद यहाँ से 2 इंची। अच्छा, मैं जो मेन चीज़ जो बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए ये है कि सर ये जो हत्ते हैं अंदर में पेच लगाने वाले हत्ते हैं, इनको किस तरीके से हमें लगाना है, निशान नहीं लग पाता है, फिर लगाने के बाद किस तरीके से हम इसमें जो है पेच कसेंगे, बाकी में काफ़ी दिक्कत होती है, पहले हमें भी होती थी लेकिन अब हमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया इसलिए हम बड़े आराम और बड़े आसान तरीके से लगा देते हैं। बस इसी तरह आपको भी लगाना है, आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ से 8 इंची का निशान लेने के बाद आपको पेंसिल चला देनी है, और ये दोनों से 2 इंची ले लिया मैंने। अब इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, ये जो छेद हैं इन दोनों छेदों पर फेविकोल लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक है साथियों। आप इस फेविकोल को लगाने के बाद, और यहाँ जो खींची हुई लाइन आपको दिख रही होगी, ये खींची हुई लाइन है, यहाँ पे बड़े आराम से इसको इस तरह लगा देना है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये छोटे छोटे जो बीच में जो दिख रहे हैं ना, इनके चारों तरफ जो छोटे छोटे बबूले टाइप के दिख रहे हैं फेविकोल के, ठीक है, तो इन जो बबूले इस तरीके से ये दिख रहे हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये जो बबूला है ये है बीच छेद का निशान, ये जो दिख रहा है ये बीच छेद का निशान है। तो इस तरीके से आपको निशान ले लेना है, और ये आप देख लिए मैंने इस पर फेविकोल लगा के और ऐसे चिपका दिया था इस तरीके से, तो चिपकाने के बाद अपने आप ही ये निशान बन जाएगा, तो मैंने यहाँ बना दिया है। अब इसमें मैं दोस्तों कैसे छेद करने वाला हूँ, सबसे पहले आपको करना क्या है साथियों, तो दोस्तों इस पर आपको 3 इंची चौबा या 2 इंची चौबा आपको इस तरह निशान लगा देना है। अच्छा, मैं ये निशान क्यों लगा रहा हूँ, इससे क्या होगा दोस्तों, जो मैं ड्रिल चलाने वाला हूँ, ये ड्रिल, ये भी मैंने आपका 3 इंची चौबा लिया है, इसको पीट लिया है, पीटने के बाद दोस्तों मैंने इसका एक बिट बना लिया है। आप चाहे तो 1/8 का बिट ले सकते हैं, 1/8 का बिट थोड़ा सा छोटा रह जाता है, पतला रह जाता है, तो इसमें मैंने ये वाला बिट ले लिया, मैंने कील का पीट के, ये सस्ता भी है, मतलब पैसा भी नहीं खर्च करना होता है, वैसे अगर आप बिट लाओगे तो 30-40 रुपये का आएगा, तो ज़रूरत नहीं है, 3 इंची का चौबा पीट कर आप बिट को बना सकते हैं। और आप ध्यान रखना बिट बनाते समय इसकी जो मोटाई है, इसकी मोटाई को आपको इस पर रखकर देख लेना, कि इससे ज़्यादा इससे ये जो है छोटा नहीं रहे, हल्का सा बड़ा रहना चाहिए, जैसे कि आपने देखा मेरा ये थोड़ा सा चौड़ा है, तो इस तरीके से बना लेना है। तो बनाने के बाद अभी मैं इसमें कर देता हूँ छेद, तो दोस्तों हमने छेद भी कर लिया है, अब आपको कस के बताएंगे
किस तरीके से आपको ये कसना होता है। तो आप हैंडल लेंगे और हैंडल जो है इस तरीके से आप यहाँ लगा लेंगे इसमें, और ये सुराख एकदम फिक्स आया है क्योंकि हमने निशान लगा के फेविकोल लगा के तब निशान लगाया था। तो आप बड़े आसान और बड़े आराम से इसको कस सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसे आराम से कस सकते हैं। ये देख पा रहे हैं आप बड़े आसान तरीके से ये हैंडल भी कसा जा रहा है और पेच आराम से कस सकते हैं। तो आपको देख रहे होंगे कितना आराम और कितना जल्दी कितना बस बढ़िया जो है हैंडल कस गया, और कितना आसान। ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लगती है हैंडल को कसने में, 2 से 3 मिनट, ज़्यादा समय नहीं लगता है। बस इसी तरीके से आपको हैंडल कस लेना दोस्तों। तो दोस्तों मैंने ये किचन कंप्लीट कर दी है, आप देख रहे होंगे ये किचन पूरी तरह अब कंप्लीट हो चुकी है। और बारी बारी से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्रॉपर तरीके से कि मैंने इसमें क्या क्या लगा दिया है। और ये अब जो कंप्लीट है एकदम कंप्लीट, ये जो किचन है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। बट ये छोटी सी किचन है, ज़्यादा इसमें बहुत कुछ किया नहीं है, मॉड्यूलर जैसे नहीं है, एक सिंपल है। और ये नीचे का फोर्सर ही केबल बनाया है मैंने। तो आगे आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने इसे किया है कंप्लीट। तो अभी मैं आपको दोस्तों पूरा पोर्शन इसका दिखा देता हूँ। यहाँ से ये स्टार्ट किए मैंने और इस तरीके से टोटल ये नीचे यहाँ तक मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। और अभी मैं इसे पल्लों को खोल के भी दिखाने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, ये टोंटी जो है पानी की टोंटी यहाँ आ रही थी। वैसे इस पल्ले को मैं यहाँ से पूरा खोलने वाला था, लेकिन इस टोंटी की वजह से मैंने एक यहाँ पे बोर्ड फिक्स कर दिया है। तो यहाँ एक बोर्ड मैंने फिक्स कर दिया है, उसके बाद मैंने इस कब्जे को यहाँ लगा दिया है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे अभी ये प्रॉपर तरीके से टोंटी भी काम करेगी और ये पल्ला जो है यहाँ से फोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से ये पल्ला यहाँ से फोल्ड हो गया, टोंटी हमारी बच गई, अन्यथा इस टोंटी को निकालना पड़ता। तो ये सिंक का एरिया है जहाँ सिंक बना हुआ है यहाँ पे इस तरीके से। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये मैग्नेट हमने लगाई है, मैग्नेट पे ही पल्ला रुकता क्योंकि मैग्नेट क्या है तो चिपका देता। तो ये मैग्नेट जो लगाई है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ मैग्नेट इसलिए लगाई है कि जिससे कि क्या है दोस्तों ये आपने आराम से चिपक जाए, कि अपने आप ये फोल्ड ना, अपने आप ये खुले ना, इसके लिए मैंने इस मैग्नेट को यहाँ लगा दिया है। इसके बाद मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको भी बना दिया है, इसकी यहाँ ऊपर मैग्नेट लगा रखी है मैंने। और ये पता बनाने के लिए मैंने मार्जिन का इस्तेमाल किया था, मार्जिन से मैंने इसको पता बना दिया है। तो मेल फीमेल ये पता है और इसको इस तरीके से बड़े आराम से लगा देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से बन गया। और यहाँ भी मैंने इसको ऐसे बना दिया है, आप देख रहे होंगे इसको दोस्तों मैंने इस तरीके से बनाया है कि ये पूरा स्पेस मिलेगा यहाँ पे आराम से। और ये दो पल्ले में मैंने इसको बना दिया है। अगर मैं एक पल्ले पर ही बनाता, एल टाइप में दिखाता इसको, तो दोस्तों ये लोड नहीं झेल पाता, काफी ज्यादा वेट हो जाता और बोर्ड में वजन भी है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग बना दिया था। अभी मैं आपको लास्ट वाला ये दिखा देना चाहता हूँ, जो आ जाए ना। तो दोस्तों ये लास्ट वाला पल्ला मैं दिखा देता हूँ, इसको भी मैंने इसी तरीके से बना दिया है। अंदर में चाहे जैसी हो लेकिन इसका फ्रंट क्वालिटी अच्छा है और माइका नहीं लगाई, इसके अंदर पेंट किया जाएगा। तो ये इस तरीके से जो है आपकी पता बना रखी है मैंने और इसे आराम से आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मेरी ये किचन हो गई है कम्प्लीट। तो साथियों इस तरीके से हमारी ये किचन कम्प्लीट हो गई है। और आपको अगर किचन अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। किचन हमारी थोड़ी सादा है, सिंपल है, या मॉड्यूलर नहीं है क्योंकि यहाँ डिमांड के अनुसार मैंने इस किचन को बनाया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते दोस्तों ऐसी कोई अगली वीडियो। नमस्कार दोस्तों, गुड बाय दोस्तों।